Don't forget to click on bell icon to get all latest updates. मल्टीस्टारर ड्रामा कलंक का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म मेकर करण जौहर ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। अभिषेक वर्मन ने फिल्म का निर्देशन किया है। फिल्म में आलिया भट्ट, वरुण धवन, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, आदित्य रॉय कपूर और सोनाक्षी सिन्हा अहम रोल में हैं। फिल्म की कहानी प्यार, लालसा और उलझे रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती है। ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा है, अ वर्ल्ड ऑफ लव, लॉन्गिंग एंड रिलेशनशिप्स दैट गो बियॉन्ड रीजनिंग। बता दें कि फिल्म में कीर्ति सेनन का भी एक स्पेशल डांस नंबर है। फिल्म के 3 गाने भी रिलीज किए जा चुके हैं। फिल्म की कहानी की बात करें तो ट्रेलर में आलिया, वरुण और आदित्य के बीच प्रेम त्रिकोण नजर आ रहा है, यानी कि लव ट्रायंगल। ट्रेलर की शुरुआत आलिया के संवाद से होती है। आलिया कहती है कि उनके गुस्से में लिए एक फैसले ने सभी की जिंदगी बर्बाद कर दी। यहीं से इस फिल्म को प्रेम और बदले की कहानी कहा जाता है। आलिया प्यार वरुण से करती है लेकिन शादी आदित्य रॉय कपूर से करती है। शादीशुदा आदित्य से शादी करने के बाद भी आलिया वरुण से प्यार करती है। फिल्म के क्लाइमैक्स में दिखाया जाएगा कि आलिया अंत में किसके पास जाती है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि फिल्म हिंदू मुस्लिम विवाद में फिल्माया गया है। बता दें कि कलंक करण जौहर के पिता यश जौहर का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसे वो पूरा नहीं कर सके थे। यश के निधन के बाद अब करण जौहर इस फिल्म को पूरा कर रहे हैं क्योंकि ये उनके पिता की इच्छा थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।